कि हाथ हमका दे दे। ये हाथ नहीं, कुछ और है। इसे लोगों का लैटरिंग अपने नंगे हाथों से साफ करना होगा, और ऐसा करने वाला ये इंसान अकेला नहीं है। इस जैसे हजारों लोग ये घिनौना काम करते हैं, और इस अमानवीय काम को कहा जाता है मेनवास के बिंदी। शादी का सामान। अरे राजा जी, क्यों करते हो फिकर? जब बैठा है ये नाड़ी काका शेरवानी, ले आऊंगा मैं बैलगाड़ी। और मंत्री, मेरे 10 इंच के सीने की रक्षा कौन करेगा मंत्री? अरे बोलो बोलो, है कोई वीर, है कोई पहलवान? अरे राजा जी, मेरी ये मजबूत बॉडी, ऊंची कद काठी आखिर कब आएगी काम? आप चिंता ना करें, मैं बचाऊंगा आपकी जान। अरे राजा की शादी में जो मंत्र पढ़े, कौन है वो ज्ञानी? तुम्हें याद हो सभी मंत्र? मुसुबानी अर्ज किए, इशान इशान अजी अर्ज किए, वक्त उठवा के इधर कंट्रोल। अब सभा समाप्त की जाए। अरे अरे महाराज, वो काम तो रहेगा। अरे कौन सा काम? तो अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण कार्य की, कौन लेना चाहेगा जिम्मेदारी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें सौंपता हूँ मैं ये महत्वपूर्ण कार्य, साफ सफाई। क्या करना होगा मुझे साफ? कैसे करूंगा मैं साफ? मुझे साफ करना होगा लोगों का लैटरिंग, और वो भी अपने नंगे हाथों से। कहीं सुना आप सभी ने? इसे लोगों का लैटरिंग अपने नंगे हाथों से साफ करना होगा, और ऐसा करने वाला ये इंसान अकेला नहीं है। इस जैसे हजारों लोग ये घिनौना काम करते हैं, और इस अमानवीय काम को कहा जाता है मेनवास के बिंदी। अरे हमारे समाज को 4 वर्णों, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण जैसे 4 वर्णों में बांट दिया गया था, और इस जातिवाद से पनपी कुप्रथा के कारण ही हजारों लोगों की जान चली भी गई तो क्या? अरे हमारा मैला साफ करते करते ये खुद उन बीमारियों का शिकार हो गए तो क्या? समाज की सुरक्षा का वादे करने वाले अगर खुद इनका शोषक हो गए तो क्या? समाज का कचरा साफ करने वाले खुद कचरा हो गए तो क्या? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हम राजभाषा समिति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक दस्तक। उठाओ आज
हमका दे दे ठाकुर, हाथ हमका दे दे। ये हाथ नहीं, कुछ और है। तेरे हाथ कहाँ गए रे? अरे वो तो नाली में ही रह गए। अरे जी जी क्या, इस शहर की नालियों में बहुत गंदगी है रे, किसी को तो उतरना पड़ेगा साफ करने के लिए। अरे इसके अंदर तो टीवी पे देखा था, जरा रिमोट पास करना। नहीं कर सकता। क्यों? मेरे हाथ में आ गया। जी की सरकार हो गई, हफ्ते भर में ढह जाती है। अरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग डब्बे में डालो, पर ये कम्बा की जनता डाल दिया सारा का सारा कचरा नाले में। अरे अरे झूठा है ये आदमी, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ छोटे बड़े के अलावा कुछ है नहीं। अगर ये डस्टबिन लगा देते सही से तो हमारा कचरा पाइप पे तो ना बचता। ये डस्टबिन की बात करते हैं, अरे इतना बजट कहाँ से लाए, सारा का सारा बजट तो मंत्री जी के कैंपेन में चला जाता है और जो बच जाता है वही लोग खा जाते हैं, तो क्या इतने पैसे ताजमहल बनवा दे? नाली में गया ही क्यों था? अरे मशीनें भेज देता। अरे हम जैसे लोग बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो लोग भला मशीनों पे पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? ओ, तो हजार हजार कोस दूर जब कोई नाली जाम होती है तो लोग कहते हैं मशीनें मत भेजना, ठाकुर आ जाएगा, तू मेरे पैर से चाटा खाएगा। ये लो, गिर गया ना गटर में, ले छोड़ यहाँ, तू रस्सी पकड़। अरे पैंट की नीप से लेकर पैंट की जिप तक जब हर जगह मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं भैया? अरे हमारा छोटू तो कांटा सरिया रॉड देखो, हर एक नाली में घुस के साफ करेगा हमारा छोटू। नाली बच रही है जाके छोटू को लाओ, नाली बच रही है जाके छोटू को लाओ। तुम्हारा इंसान पता नहीं कितना समय लगाएगा, हमारी मशीनों को आधा घंटा दे दो पूरा साफ कर देंगी। मशीनें करें।
अरे हमारा छोटू गटरों में मरे हुए जानवरों का शव सड़के एकदम चक्का चक साफ कर देगा। मल्टीपर्पज है हमारा छोटू। हमारी मशीनों में एक लीटर तेल डालो पूरे दिन मक्खन की तरह चलेगी। एक लीटर तेल? अरे हमारे छोटू को 3 रोटी दे दो बस, 3 दिन तक काम करेगा हमारा छोटू। अबे गवार है क्या, तेरे और तेरे घर की इज्जत इन्हीं मशीनों से चल रही है और IIT मद्रास ने तो ऐसी मशीन बना भी ली है। बेहाल गरीबी से छोटू का क्या काम है, बेहाल गरीबी से छोटू का क्या काम है। मशीनें लगवा लो, मशीनें लगवा लो जिनकी भी नाली काम है, मशीनें लगवा लो जिनकी भी नाली काम है। अरे हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा मैनुअल क्लीनर्स और 80 लाख से भी ज्यादा ड्राई लैटरिन है। हाँ तो क्या हाँ तो कहीं तो काम आएंगे ना ये। अब तुम्हारी मशीनें साफ करते खींचने बंद पड़ जाएंगी और हमारा बाप बीमार हुआ तो बेटा आ जाएगा। बहुत ना इंसाफी है। इतना बोखला कह रहा है गब्बर, ये कोई आज से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो चला आ रहा है महाभारत के समय से। चल ठीक है, तू पैर हाथ नहीं दे सकता तो पैर दे दे। अरे मेरे पैर तो कब के खत्म हो चुके हैं गब्बर। चल ठीक है, तेरे लीवर से भी मैं काम चला लूंगा। अरे मेरा लीवर भी सड़ चुका है गब्बर। तेरी आंखें ही मुझे रोशनी होगी। इन आंखों की रोशनी तो कब की चली गई है गब्बर। तो ये काम करता है क्यों? दो वक्त की रोटी गब्बर, दो वक्त की रोटी न जाने इंसान से क्या क्या काम नहीं करवाती है। और इस काम से तो मुझसे मेरे भीत पोड़ने वाले ये हाथ भी छीन लिए गब्बर, हाथ भी छीन लिए। जिंदगी भर काम किया, रोज सुबह उठो मेहनत साफ करो लैट्रिन साफ करो, पर मैं अब थक चुका हूँ। मैंने मजदूरी करनी चाहिए, लोगों ने मुझे छोटा जात के समझकर मुझे मजदूरी करने से ही मना कर दिया। मैं रोज सुबह उठता हूँ, छूटता हूँ, नालियों में उतरता हूँ, तब जाके दो वक्त की रोटी मुझे नसीब होती है। मुझे घिन आ दिया कुछ से घिन, पर मैं तो मर भी नहीं सकता। किस्मत से मजदूर बड़ा था, बीमारी से जूझ पड़ा था, हर मुश्किल से खुद ही लड़ा था, सब पता है बुला हुआ था। मैं वो हूँ जिसने जिंदगी भर आप सबका कूड़ा साफ किया है। अरे आप सबका कूड़ा साफ करते करते मेरे हाथ कभी पीले हुए तो कभी काले हुए। अरे हमारे बच्चों ने तो दूध की सफेदी में भी नाली की बूंदे पी है और दिन में सुअर समझने वाले ये लोग रात को जिस्म को नोचने वाले भेड़िये बन जाते हैं। लाचार वो नारी बेहारी बेहद बेचारी, सब चीखों से वो दुष्टों को मारी, सब एक गुलाब तुझे सुनी ना मारी। मेरा नाम रेनू है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर जब नाली से मैल निकालने की बारी आती है पता नहीं लोग मुझे ही क्यों याद करते हैं। स्कूल से छुट्टी लेकर हफ्ते में 3 दिन तक मैं मैला साफ करने जाती हूँ। आपको पता है मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, हालत से मजबूर हूँ ना। बच्चा वो मासूम बड़ा था, जाने उसका क्या ही गुनाह था, जब उसका बचपन जल रहा था तब बदला है बुला चुका था। दम घुटता है मेरे यहाँ पर, दम घुटता है। ये काम मेरी इच्छा नहीं है, मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चों का क्या होगा। कोई बात भी नहीं करता मुझसे, क्या हम इंसान नहीं। इनकी बंदी कीमत क्या है, राजा ने कैसी ये सजा है, जनता क्यों दुश्मन का बना है, सब बदला है बुला चुका है। अरे तुम्हारी जात की किस्मतों में
गटर की नालियों में घुसना ही लिखा है। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही किया था और तुम भी यही करोगे। तुम्हारे लिए और कोई काम बना ही नहीं है, सिर्फ यही कर सकते हो तुम। गंदी नाली के रेंगते कीड़े हो कीड़े, और यही औकात है तुम्हारी। मुझे हाथ चाहिए। गब्बर, अब जो भी है यही है गब्बर। अरे नहीं, हार मत मान, तुझे केस करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, कोर्ट में कंप्लेन करनी चाहिए। अरे कोर्ट केस, हमारे देश की अदालतों में सालों से हजारों केसेस दफन पड़े हुए हैं, दफन। सेंसस 2011 के अनुसार हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा मैनमल्स, लोगों का पेट मैनमल स्कैवेंजिंग से पलता है। ये कहानी 2019 चेन्नई की है, एवेन्यू मॉल के सेप्टिक टैंक की सफाई में लगा रंजीत टॉक्सिक गैस के कारण अंदर ही बेहोश हो गया। अरुण ने टैंक में कूदकर अपने भाई की तो जान बचा ली, लेकिन वो खुद की जान गवा बैठा। तहकीकात के बाद ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए तो थे, पर वो भी केवल दिखावे के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। वास्तविकता में उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कंप्लेन के डर से कॉन्ट्रैक्टर ने अरुण के परिवार की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने अरुण की माँ को 15,000 रुपए देकर केस वापस लेने को कहा, पर अरुण की माँ ने केस को ठुकरा दिया। आज भी हमारे देश में 6 लाख मैनुअल स्कैनर है, पर गवर्नमेंट रिपोर्ट में इनकी संख्या केवल 60,000 है, पर असलियत में 15% लोगों से भी कम को मदद मिल पाती है। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग पहले धोने वाले को 44 तरह के इक्विपमेंट जैसे कि मास्क, ग्लव्स, प्रोटेक्टिव ग्लासेस इत्यादि दिए जाने चाहिए, पर ये कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट व सरकार को गुमराह करने के लिए फर्जी कागजात, मिसलीडिंग एफआईआर और जाली दस्तावेज जैसे तरीके अपनाते हैं। तुझे खुद की सुरक्षा के लिए कुछ मिलना नहीं चाहिए क्या? अरे मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, पर ये सुअर के बच्चे कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ दे तो ना। ठीक है, कुछ ऐसा कर, इन सब के हाथ मैं काटूं, ये मेरा पता नहीं। गब्बर, सालों से चली आ रही इस कुरीति को मिटाना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। मतलब ये सिचुएशन बदल सकती है सिचुएशन? हाँ। कैसे? हमको सबको साथ आना होगा इसके लिए गब्बर। ठीक है ठाकुर, सभी पुरानी दुश्मनी बुला के मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ ठाकुर। नहीं बेटा, चल दुकान से दिला देता हूँ। नहीं नहीं, वो दुकान से। अरे नहीं बेटा, इससे नहीं। नहीं, मेरे को वही चाहिए। अरे बेटा, ये आदमी भंगी है भंगी। ये 1 महीने पहले तक तू मैला उठाता था, हम नहीं लेंगे इससे कोई। अरे भाई साहब, मैं